बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग एक घंटा रोज़ाना दे सकते हो? दे सकते हो, ठीक हो गया, जो नहीं दे सकते साइड पे होते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये कि क्या आप लोग सब्र से और मेहनत से काम कर सकते हो? सिर्फ एक घंटा या डेढ़ घंटा रोज़ाना कर सकते हो, ठीक हो गया, जो नहीं कर सकते वो भी साइड पे हो जाए। अब तीसरी चीज़, क्या आप लोग डेली एक वीडियो बना सकते हो? ठीक है, अब इसमें दो तरह के लोग आ गए हैं, एक वो जो बना सकते हैं, दूसरे वो लोग आ गए हैं कि जो कह रहे हैं कि जी फेस कैम से हम फेस नहीं शो कर सकते, सामने नहीं आ सकते, ठीक हो गया, जो नहीं आ सकते वो भी रहें, वो भी रहें, जो आ सकते हैं वो भी रहें, दोनों तरह के लिए, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म कौन सा जनाब। प्लेटफॉर्म आज जो है उसका नाम है यूट्यूब। अब आप कहेंगे कि YouTube पे को तो हम जानते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको वो नहीं बताने वाला कि आप एक दिन में 10,000 सब्सक्राइबर कैसे ले लें, एक दिन में 1,000 सब्सक्राइबर कैसे ले लें, एक दिन में ये कैसे इतने व्यूज़ कैसे ले लें, वॉच टाइम एक दिन में पूरा कर लें। नहीं, कॉइन की दूसरी साइड दिखाने वाला हूँ कि एक दिन में जब आपके 100 व्यूज़ आएँ, जब आपके 10 व्यूज़ आएँ, जब 14 व्यूज़ आएँ, तो तब आप क्या करें। जब आपके सब्सक्राइबर दिन में 1-2 आएँ तब आप क्या करें। जब आपका रेवेन्यू सिर्फ $5 आए तब आप क्या करें। थोड़े से एनालिटिक्स देखते हैं सिस्टम पर। सिस्टम पर एनालिटिक्स मैं एक चैनल आपके लिए रेडी किया, उस चैनल का मैं दिखाऊंगा, मेरा अपना नहीं है, किसी और का है, लेकिन उसके एनालिटिक्स देखते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और उन तक लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और जो साइड पर सब्सक्राइब का बटन है ये दबाने के लिए लगा होता है, ठीक है, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए अगर नहीं दबाया हुआ तो, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। ये दोस्तों आपके सामने कुछ एनालिटिक्स हैं, इसको अगर हम स्टार्ट से देखें तो ये आप देख सकते हैं कि एक दिन में 14 व्यूज, 27 व्यूज, 22 व्यूज, 76, 88, 53, 276, 97, 107। ये बंदा इसका क्या है कि ये लगातार कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। यहाँ पर अगर ये कोने में जाकर कहीं पर भी गिव अप कर दे, यानी कि छोड़ दे कि यार मेरे पास तो व्यूज़ ही नहीं आते, मेरे चैनल पर को तो कोई देखता ही नहीं है, मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आएंगे, तो इसके एक दिन में 1,32,000 व्यूज़ कभी ना आते। ये आप देख सकते हैं कि एक दिन में 1,32,000, एक दिन में 1,12,000, ठीक है, इसी तरह एक दिन में 33,000। अच्छा, अब ये आ गए, ये व्यूज़ आने के बाद दोबारा ये बंदा नीचे गिर गया, ठीक है, ये बंदा 12,000, 11,000, 7,000, 10,000, 4,000, 3,000, 1,000, 1,000, 1,000। अगर ये बंदा कहता कि यार ये एक दफ़ा ही होता है, बार बार नहीं होता, दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, अगर ये यहाँ पर भी जाकर चैनल बंद कर देता या वीडियोस बनाना छोड़ देता या मेहनत करना छोड़ देता तो क्या होता, इसके व्यूज़ दोबारा नहीं आते। इसकी अर्निंग के लिहाज से अप्रैल में अगर अर्निंग देखें तो पहली अर्निंग $5 की थी, $5 कितने बनते हैं ये भी आप देख लें, दूसरी अर्निंग $19, तीसरी अर्निंग $17, चौथी अर्निंग $32, पाँचवीं अर्निंग $34, छवीं अर्निंग $76। तो ये 6 महीने लगातार जो $20-$30 $5 पे चलता रहा, ये अगर यहीं पर गिव अप कर जाता और यही कहता कि यार YouTube में तो अर्निंग ही नहीं है, यहाँ से तो पैसे कमाए ही नहीं जा सकते, इसमें तो अर्निंग होती ही नहीं है, लोग एवें बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, तो ये बंदा कभी भी 4,385 की अर्निंग पर ना जाता महीने की। ये आप देख लें कि एक महीने में कितने, आप खुद कैलकुलेट करें भाई, मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा। उसके बाद ये आप देख लें 2533, 3262, 3691, 1093, 1714, ठीक है, उसके बाद 3126। ये सारी अर्निंग अलग अलग महीनों की हैं, ठीक है, लेकिन शुरू में अगर आप देखें ना तो $5, $19, 17, 32, 34, 76। जी तो दोस्तों, ये आपने एनालिटिक्स देखे। अब इसके साथ मैं एक छोटा सा क्लिप आपके लिए और रेडी किया, वो उन लोगों के लिए रेडी किया जो फेस सामने नहीं दिखा सकते, उनके लिए एक एग्जाम्पल बताई है। ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ना आपके पास इतना टाइम होता है, ना आप लोग इतना देखते हैं, तो भाई वो एग्जाम्पल देख लें, छोटी सी है तो वो भी देख लेते हैं। अब अगर यहां पर आप देखें तो ये एक डामे का, उन्होंने क्रूलस उस्मान का बताया हुआ है, 4 वीक्स में 858K व्यूज हैं, सिर्फ 4 हफ्तों में 8 लाख, 8.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, ठीक है, और कितने, 4 मिनट की वीडियो है, सिर्फ गूगल से पिक्चरें उठाई हुई हैं और पीछे वॉइस ओवर चल रही है या बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है छोटा सा, वो भी यूट्यूब की लाइब्रेरी से उठाया हुआ। अर्तुगरुल गाजी लाइव स्टोरी अगर आप सर्च करें यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं कि
5 मिलियन व्यूज 1 ईयर में, ठीक है, ये भी सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ गूगल की पिक्चर्स इन्होंने उठा के लगाई हुई हैं, 52K व्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आए तो यहाँ पर ये बहुत सारी यार सिंपल सिंपल सी चीजें, इतनी बड़ी चीजें नहीं है जी। तो अब आपने ये भी देख ली, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोगों ने व्यूज़ देखे, तो जब व्यूज़ 14 आ रहे थे, 15 आ रहे थे, 100 आ रहे थे, 200 आ रहे थे, जब उस बंदे का जंप लगा एकदम से ऊपर एक दिन में 1,32,000 व्यूज़ पे, तो अगर वो बंदा 15 व्यूज़, 14 व्यूज़, 10 व्यूज़, 100 व्यूज़ पे क्विट कर देता, छोड़ देता, तो क्या वो इस लेवल तक पहुँच सकता था? नहीं पहुंच सकता था। उसके बाद जब वो दोबारा गिरा और फिर 1-2 महीने लगातार कम व्यूज आए, कम व्यूज आए, कम व्यूज आए, अगर वो वहां पर क्विट कर देता, तो क्या वो आज बड़ा यूट्यूबर बन सकता था? नहीं बन सकता था। उसके बाद एक और चीज ये है कि क्या वो बंदे की जब पेमेंट $5 आई, जब $10 आई, जब $12 आई, तो अगर वो इस चीज़ को छोड़ देता कि भाई मैं डेली मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो ना व्यूज़ आते हैं, ना पेमेंट आती है, ना सब्सक्राइबर आते हैं, वो अगर छोड़ देता, तो क्या आज वो बड़ा यूट्यूबर बन सकता था? क्या वो 6-6 लाख की पेमेंट उठा सकता था? कभी नहीं उठा सकता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहला जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि सब्र, हौसला और मेहनत, जिस बंदे में ये चीज़ है वो यूट्यूब पर कामयाब होता है, जिस पर ये नहीं है वो नहीं कामयाब होगा। सीधी और साफ बात है। ये सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, ये आप फाइवर पर चले जाएं, ब्लॉगर पर चले जाएं, या आप गूगल पर चले जाएं, किसी भी वेबसाइट पर चले जाएं, आप मोबाइल फ़ोन से अर्निंग करना चाहते हैं आप उस पर चले जाएं, रियल जो प्लेटफॉर्म होते हैं, रियल प्लेटफॉर्म होते हैं जिनको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म कहा जाता है, उनमें सब्र चाहिए होता है, उनमें हौसला चाहिए होता है, उनमें मेहनत चाहिए होती है। जब आप एक कॉन्स्टेंटली किसी काम में मेहनत कर रहे हैं और साथ सबर के कर रहे हैं, तो आपको वो मिलेगी, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी मेरे लिए मोटिवेशन यही है कि इन अल्लाह मा साबरीन, ठीक है, सबर करने वालों के साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह होता है उसको फिर और क्या चाहिए भाई। इससे बड़ी मोटिवेशन मेरे पास नहीं है आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई मार्केट में बहुत सारे लोग वॉच टाइम बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर बेच रहे हैं, ये यार ले लोगे, चैनल मोनेटाइज आप करा लोगे, आप वॉच टाइम ले लोगे, आप सब कुछ ले लोगे, क्या आप ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे मेरी जान। क्यों? क्योंकि जो पका पकाया मिल जाता है ना जिसको, वो मेहनत नहीं कर सकता। और अगर आप लोग मेहनत और सब्र करोगे, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप ज़ीरो से ग्रो करो, ज़ीरो से, ठीक है। आप ये नहीं, मैं कह रहा कि भाई आपको सिर्फ फाइवर पे मिलेगा या सिर्फ यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन से अर्निंग करनी है, उसकी प्लेलिस्ट है। अगर आप लोगों ने उसके अलावा यूट्यूबिंग करनी है, तो यूट्यूबिंग का कंप्लीट कोर्स है। सारी चीज़ें चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर आपको अर्निंग वेबसाइट्स चाहिए, तो वो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। अगर आप चैनल पर जाएंगे मेरे, वहां पर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, तो ये सारों की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है प्रॉपर वे के साथ, और फ्रीलांसिंग भी स्किल्स के साथ है। लेकिन मसला क्या आता है? सब्र नहीं होता। मसला क्या आता है? काम नहीं होता। मसला क्या आता है? मेहनत नहीं होती। फिर क्या होता है? फिर हमें लगते हैं चूने, फिर हम कहते हैं भाई मैंने फलां वेबसाइट में इन्वेस्ट किया था लॉस। भाई इन्वेस्ट करने का आपको कौन कह रहा है? इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो, मेहनत इन्वेस्ट करो, पैसे को नहीं, ठीक है। अगर आप टाइम देते हैं, ये नहीं कि यार मेरे पास ये बड़ा सिस्टम पड़ा है, ये हो गया वो गया। भाई एक टूटे हुए मोबाइल फ़ोन से मैंने भी शुरू किया था। यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म है जिसने करोड़ों जिंदगियां चेंज की हैं। फाइवर वो प्लेटफॉर्म है जिसने करोड़ों जिंदगियां चेंज की हैं। ब्लॉगर वो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे इस तरह के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिन्होंने जिंदगियां चेंज की हैं। लेकिन क्या है, उन पर जो कामयाब हुआ है उसने मेहनत की है। अगर आप लोग भी मेहनत करना चाहते हैं तो मिस्टर हाउ को ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो भाई और चैनल बहुत भरे पड़े हैं। 2 महीने इन्वेस्टमेंट करोगे, 3रे महीने वेबसाइट गायब होगी और आपका भी वो चूरन चटनी हुआ होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूबिंग में ये भी बता देता हूँ कि आपका थंबनेल, आपकी SEO होती है वो कैसे करनी है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी और भी कुछ अपडेट्स चाहिए हो तो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन झूठ नहीं सिखाया जाता। फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ, ब्लॉगिंग सिखाता हूँ, यूट्यूबिंग सिखाता हूँ, मोबाइल फ़ोन से अर्निंग सिखाता हूँ, वेबसाइट से अर्निंग सिखाता हूँ, सब कुछ करके दिखाता हूँ, स्किल से सिखाता हूँ, लेकिन झूठ नहीं सिखाता, ना सिखा सकता हूँ। अगर आपको ये सीखना है, जुगाड़ सीखना है, तो बाकी चैनल भरे पड़े हैं मेरी जान। मिलते हैं इंशा अल्लाह अगली एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का सिला अल्लाह देता है। जुगाड़ लगाओगे तो उसका सिला नहीं मिलता। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।